Hello everyone, I am going to discuss a topic of pharmacology from Unit 2, that is Principles of Drug Action. Before we discuss this topic, let's know about drug. What is drug? कोई भी एजेंट या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो रॉ फॉर्म में हो, जिसका अभी डोजेस फॉर्म में कन्वर्शन ना हुआ हो, ड्रग कहलाता है. ड्रग मेनली डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में यूज होता है. डायग्नोसिस में कैसे? नॉर्मली जब हम एक्सरे करते हैं, देन हो सकता है कि उसका जो विजन है वो क्लियर ना हो. और जब हम सस्पेंशन बिस्मुथ सल्फेट लेते हैं, उसके बाद जो एक्सरे का जो विजन होता है वो क्लियर होता है. तो इस तरीके से ड्रग जो है डायग्नोसिस में यूज होता है. प्रिवेंशन में कैसे? कोई भी डिजीज़ के होने से पहले अगर हम ड्रग या वैक्सीन ले लें उस डिजीज़ के लिए, तो वो डिजीज़ हमें आगे चलकर नहीं होता है. तो इस तरीके से ड्रग जो है प्रिवेंशन में यूज होता है. तीसरा है ट्रीटमेंट. जब कोई डिजीज़ हमें हो जाता है एंड उसके बाद जब हम ड्रग या मेडिसिन लेते हैं उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, तो इस तरीके से ड्रग जो है ट्रीटमेंट में यूज होता है. फार्माकोलॉजी में दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, एंड फार्माकोडायनेमिक मीन्स व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, मीन्स कि ड्रग का इफेक्ट. ड्रग का इफेक्ट या तो डिजायरेबल होगा या फिर अनडिजायरेबल होगा. डिजायरेबल मीन्स कि या तो वो उस डिजीज़ को ठीक कर देगा, प्रिवेंट कर देगा या फिर डायग्नोस करेगा. अनडिजायरेबल इफेक्ट में आता है साइड इफेक्ट, जैसे कि वोमिटिंग, एडवर्स इफेक्ट जैसे रैसेस, टॉक्सिक इफेक्ट जैसे कि ऑर्गन फेल. अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन. ड्रग जो है कोई भी अपना नया फंक्शन हमारे सिस्टम पे, ऑर्गेन पे, सेल पे इम्पैक्ट नहीं करता है. वो वनली जो हमारे बॉडी में जो एक्टिविटी हो रहे हैं उनके एक्टिविटी को अल्टर कर देता है, मीन्स कि उनके एक्टिविटी को या तो घटा देता है या बढ़ा देता है. बेसिक टाइप्स ऑफ जो ड्रग एक्शन है उनको 5 तरीकों से क्लासीफाई किया गया है. वो है स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, साइटोटॉक्सिक एक्शन एंड रिप्लेसमेंट. स्टिमुलेशन क्या होता है? स्टिमुलेशन मीन्स कि हमारे बॉडी में कोई एक्टिविटी हो रही है, उनके एक्टिविटी को बढ़ा देना स्टिमुलेशन कहलाता है. फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन. एड्रेनलिन हमारे हार्ट को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है या फिर हार्ट का फंक्शन बढ़ जाता है. दूसरा एग्जांपल पिलोकार्पिन. ये सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से सलाइवा का सिक्रेशन ज़्यादा होता है. अब कुछ ड्रग वैसे भी होते हैं जिनका लिमिट होता है स्टिमुलेट करने का. अगर उन लिमिट से ज़्यादा वो स्टिमुलेट करना चाहेंगे, देन वो स्टिमुलेट करने के बजाय वो डिप्रेस कर देगा. अब जैसे कि पिक्रोटॉक्सिन, जो कि एक CNS स्टिमुलेंट ड्रग है, अगर हम पिक्रोटॉक्सिन का ज़्यादा डोज लेते हैं तो ये कन्वल्शन प्रोड्यूस करता है, उसके साथ साथ वो कोमा और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी प्रोड्यूस करता है. सेकेंड पॉइंट है डिप्रेशन. डिप्रेशन वही हुआ स्टिमुलेशन के अपोजिट, डिप्रेशन. डिप्रेशन मीन्स कि हमारे बॉडी में कोई एक्टिविटी हो रहे हैं, उनके एक्टिविटी को कम कर देना डिप्रेशन कहलाता है. जैसे कि बारबिट्यूरेट्स है, बेंजोडाइजेपिन्स है, ये दोनों CNS को डिप्रेस कर देते हैं. कैसे करते हैं? हमारे बॉडी में क्लोरीन चैनल होते हैं, उन चैनल को ये ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्लोरीन का कंडक्शन ज़्यादा हो जाता है. फिर हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है. हाइपरपोलराइजेशन मीन्स कि निगेटिव चार्ज का ज़्यादा होना, एंड इस तरीके से वो हमारे CNS को डिप्रेस कर देते हैं. अब कुछ ड्रग वैसे भी होते हैं जो कुछ टाइप्स ऑफ सेल को स्टिमुलेट कर देते हैं एंड कुछ टाइप्स ऑफ सेल को डिप्रेस कर देते हैं. जैसे कि एसिटाइलकोलिन, ये इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल को स्टिमुलेट कर देते हैं, एंड सेम एसिटाइलकोलिन हमारे हार्ट में जो SA नोड होते हैं उनको डिप्रेस कर देते हैं. अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जो कि है इरिटेशन. कुछ इरिटेंट ड्रग होते हैं जो कि नॉक्सस इफेक्ट शो करते हैं, वो हमारे लिए अनकंफर्टेबल होते हैं. एनीवे पार्टिकुलरली वो सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं. तो फॉर एग्जांपल हमें कहीं पेन हो रहा है, हमारे बॉडी के पार्ट में कहीं पेन हो रहा है, एंड वहाँ हमने इरिटेंट ड्रग लगाया, तो वो इरिटेशन कॉज करने लगा. उन इरिटेशन के वजह से हमारा जो सराउंडिंग पेन था वो कम हो गया, वो सप्रेस हो गया. तो इस तरीके से इरिटेशन इरिटेंट ड्रग अपना काम करता है. जैसे कि बाम हो गया, सेना हो गया. सेना जो है वो कंस्टिपेशन ठीक करता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ इरिटेशन. अगर हम स्ट्रांग इरिटेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि इन्फ्लामेशन भी हो सकता है.
अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं जो कि है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मीन्स किसी एक चीज़ का किसी दूसरे चीज़ से रिप्लेस हो जाना, रिप्लेसमेंट हुआ। जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, मेनली इन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो इंसुलिन होता है वो कम हो जाता है, या फिर जो इंसुलिन होता है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, तो हम एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, एंड बाहर वाला जो इंसुलिन है वो हमारे बॉडी के इंसुलिन को रिप्लेस कर देता है, एंड देन वो हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लें तो ग्वाइटर में, ग्वाइटर आयरन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, तो हमारे बॉडी में आयरन की ग्वाइटर जो है आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, हमारे बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो हम बाहर से आयोडीन देते हैं, एंड वो आयोडीन हमारे बॉडी के आयोडीन को रिप्लेस कर देता है, एंड देन वो ग्वाइटर को ठीक करने में हेल्प करता है। तीसरा एग्जाम्पल है एनेमिया, एनेमिया में आयरन की कमी हो जाती है, इन द सेम वे बाहर से हम आयरन देते हैं एंड वो हमारे बॉडी के आयरन को रिप्लेस कर देता है, एंड देन वो हमें एनेमिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं साइटोटॉक्सिक एक्शन। ये साइटोटॉक्सिक ड्रग होते हैं वो उन्हीं सेल या टिश्यू के लिए काम करते हैं जो कि पैरासाइटिक एक्शन रखते हैं, मतलब कि अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई पैरासाइट आ गया तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ये एंटीबायोटिक्स हमारे उन्हीं सेल को उन्हीं टिश्यू को डिस्टर्ब करते हैं, उनके फंक्शन को या फिर किल करते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होते हैं। तो इसका जो मेन टारगेट होता है वो पैथोजेनिक सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स हो गया। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कैंसर में, कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ अबनॉर्मल ड्रग्स, तो हम कैंसर में एंटी कैंसर ड्रग यूज़ करते हैं। एंटी कैंसर ड्रग पार्टिकुलरली उन्हीं सेल को किल करता है जो कि हमारे बॉडी के लिए सही नहीं हो, जो कैंसरस सेल हो। तो हम तो देखा जाए तो साइटोटॉक्सिक ड्रग उन सेल्स को किल करते हैं जो हमारे बॉडी के लिए सही ना हो। कुछ ऐसे भी और भी एग्जांपल है जैसे कि पेनिसिलिन, क्लोरोक्विन, ईटीसी। दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन, दैट्स ऑल।